वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज, ये सिर्फ भारी भरकम रकम नहीं बल्कि कोरोना वायरस से देश को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए मरहम का भी काम करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल 20 लाख करोड़ रुपए के कोरोना राहत पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब से ठीक ढाई घंटे बाद यानी कि शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताएंगी कि 20 लाख करोड़ में किसको क्या और कितना लाभ मिलने वाला है। इस बड़ी खबर पर हमारी मेगा कवरेज जारी रहेगी। हम अपने संवाददाताओं और आर्थिक विशेषज्ञों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वित्त मंत्री के पिटारे में क्या हो सकता है, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। कोरोना राहत के लिए घोषित 20 लाख करोड़ में आपके हिस्से क्या आएगा, थोड़ी देर में इससे पर्दा उठने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी देंगी। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करी थी, जो कि हिंदुस्तान की जीडीपी का 10% है। आज निर्मला सीतारमण बताएंगी कि किस सेक्टर को क्या मिलेगा। इंडस्ट्री काफी खुश है इससे। इंडस्ट्री को लगता है कि जो उनकी उम्मीदें थी, जो उनकी मांगे थी, उससे कहीं ज्यादा सरकार ने दिया है। अब देखना यह है कि किस सेक्टर को कितना मिलता है और इससे इकोनॉमी में कितनी बढ़त होती है। माना जा रहा है कि 20 लाख करोड़ के खास पैकेज में ज्यादा तवज्जो एमएसएमई सेक्टर को मिलने वाली है, क्योंकि इसी सेक्टर में रोजगार की संभावना ज्यादा होती है। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। आज का अनाउंसमेंट एमएसएमई सेक्टर के लिए होगा। जितने भी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, उनकी गारंटी अब सरकार लेगी, यानी कि एक स्कीम लॉन्च करी जाएगी जिसके तहत अगर कोई स्मॉल या मीडियम बिजनेसमैन बैंक से जाके क्रेडिट या लोन मांगता है तो उसकी गारंटी सरकार की तरफ से होगी। इससे फायदा ये होगा कि इनके पास जो ये बिजनेसेस हैं, इनके पास काफी कैश होगा। इस समय सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो एमएसएमई सेक्टर को लगा है, क्योंकि पिछले 50 दिनों से ना प्रोडक्ट बना है और ना ही कोई बिक्री हुई। ये पैकेज कितना बड़ा है जरा इसे भी समझ लीजिए। 20 लाख करोड़ देश की जीडीपी का करीब 10% है। 2020-21 के सालाना बजट का करीब 66% है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के सालाना बजट का करीब 4 गुना है। देश रक्षा बजट का करीब 6 गुना है। देश के स्वास्थ्य बजट का करीब 30 गुना है। पाकिस्तान के सालाना बजट का करीब 6 गुना है। थोड़ा इंतजार कीजिए, 20 लाख करोड़ के पैकेज में क्या है, इससे पर्दा हटने ही वाला है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं। अंशुमन तिवारी जी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब हमारे साथ बिजनेस टुडे के एडिटर राजीव दुबे जुड़ गए हैं और साथ ही एसोचैम के वाइस प्रेसिडेंट वेद जैन जी जुड़ गए हैं। वेद जी, आपसे मेरा सवाल ये नहीं होगा कि इस राहत पैकेज से कितना फायदा होने वाला है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या ये काफी है, क्योंकि कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। अगर हम उन आंकड़ों पर नजर डाल लें, क्योंकि ये एक सर्वे कराया गया था करीब 11 स्टेट्स में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें इस वक्त कुल 67% वर्कफोर्स अनएम्प्लॉयड है, जिसमें 57% वर्कफोर्स रूरल एरिया से आती है, और अगर अर्बन एरिया की बात कर लें तो 10 में से 8 लोग अपना जॉब खो चुके हैं। ये सर्वे में सामने आया था, जिसमें दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में भी ये सर्वे किया गया था। क्या ये राहत पैकेज काफी है वापस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए? नेहा जी, देखिए, दो बातें बड़े ध्यान में रखने की जरूरत है कि पैकेज का कितना टोटल है 20 लाख करोड़, और भारतवर्ष का सालाना बजट 30 लाख करोड़ होता है। तो ये कहना कि पैकेज कम रहेगा देखते हुए जो रिपोर्ट और आई है, तो मैं ये कहूंगा नहीं, पैकेज पूरा है। 20 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा अपने आप में अमाउंट होता है, और 10% आज की डेट में जो भारत का जीडीपी 200 लाख करोड़ है, उसका 10% है,
तो अपना आप पे पैकेज की जो वैल्यू है, जो उसकी क्वांटम है, वो बहुत सफिशियंट और अच्छा है। सवाल इस बात का है कि इस पैकेज से किसको, किस सेक्टर को क्या दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कल जब घोषणा की तो उन्होंने कहा कि 20 लाख में से लगभग 6 लाख करोड़ का पैकेज ऑलरेडी दिया जा चुका है, जो निर्मला सीतारमन जी ने 1,70,000 करोड़ गरीबों के लिए बांटा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट रिलीज किया था, उसको किया था। सवाल ये आएगा कि इस पैकेज में जो बैलेंस अमाउंट जो 14 लाख करोड़ रुपए बांटने की बात हो रही है, उसमें किस तरह से दिया जाएगा? क्या जो आज की डेट में जो माइग्रेंट लेबर्स है, जो वेजेस है, उनको रिइंबर्स किया जाएगा या उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने बातें की, चार क्षेत्र की बात की, लेबर की भी बात की, फार्मर की भी बात की, आर्टिसन की बात की, रेडी वाले की भी बात की। अब उनकी जेब की पॉकेट में पैसा कैसे पहुंचाया जाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात है। एमएसएमई सेक्टर, जैसे आपने कहा, आज की डेट में बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। एमएसएमई सेक्टर डे टू डे इनफ्लो फ्लो पे डिपेंड करता है और उनका 1.5 महीने से लगभग बिल्कुल आज की डेट में फ्लो बंद है, तो उनका सर्वाइवल के लिए कैसे पैकेज दिया जाएगा? एक तो जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे लोग कह रहे हैं कि शायद बैंक का इजी फाइनेंस होगा, 3 लाख करोड़ रुपए का जो फाइनेंस उनको देगा दिया जाएगा और सरकार उसकी बैंक गारंटी देगी, सरकार गारंटी देगी उसकी तरफ से, तो हो सकता है ये अच्छा पैकेज हो, लेकिन ये डिटेल आने पर पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव होगा। लेकिन अमाउंट को देखते हुए मैं कहूंगा 20 लाख करोड़ रुपया जो 10% जीडीपी का एक अच्छा बड़ा पैकेज है। जी, एसोचैम की तरफ से भी रेकमेंडेशंस भेजी गई हैं कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था की बदहाली को सुधारा जा सकता है, क्योंकि फिक्की और सीआईए की तरफ से तो हमने ये पहल देखी है। नहीं, देखिए, सुधारा तो जा ही सकता है और काफी स्थिति सुधर सकती है, और ये इस समय की बहुत बड़ी जरूरत थी कि फिस्कल ये पैकेज दिया जाए, स्टिमुलस पैकेज दिया जाए, कुछ टैक्स में भी छूट आने की उम्मीद है, जीएसटी में क्या किया जाएगा और इनकम टैक्स में भी कुछ छूट दी जा सकती है पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए, जो इंडस्ट्री ज्यादा सफर कर रही है, और निवेश बाहर लाने की बात हो रही है उसके लिए भी। आप जिन्हें ध्यान दोगा, प्रधानमंत्री जी ने 3 साल में एक ड्रीम बनाया है कि भारत को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए। ठीक है, आत्मनिर्भरता का कल भी उन्होंने बात कही अपने इस संबोधन में। राजीव दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जो 30 लाख करोड़ जिसका प्रोविजन बजट में किया गया है, 20 लाख करोड़ उसी का हिस्सा है या उससे अलग है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, क्योंकि जो हमारा जो पैकेज अनाउंस हुआ है तो 20 लाख करोड़ का, वो ऑलमोस्ट 67% है फिस्कल ईयर 20 और 21 का, अगर आप जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको ध्यान में रखें। तो ये सवाल उठता है कि ये पूरा पैकेज एक साल के अंदर निकाला जाएगा या इसको स्प्रेड किया जाएगा 2 से 3 साल तक। मुझे जहां तक लग रहा है, ये 2 साल कम से कम और मिनिमम 2.5 से 3 साल तक इसको स्प्रेड किया जाएगा, क्योंकि 20 लाख करोड़ को इस साल के बजट में से निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो प्रोविजन किया गया है एडिशनल लोन लेने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो सिर्फ 4.2 लाख करोड़ एडिशनल लोन लेने की का प्रोविजन है। पहले से ही 7.75 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने लोन लेने का प्रोविजन किया था, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी आय कम हो गई है इस साल में जीएसटी की वजह से, जीएसटी कम होने की वजह से, पर्सनल इनकम टैक्स कम होने की वजह से, उसकी वजह से जो सरकार को एडिशनल 4,20,000 करोड़ का लोन लेना पड़ा है। तो जो अभी इस वक्त जो प्रोविजन है बैलेंस शीट में, सरकार की बैलेंस शीट में, वो सिर्फ 4 लाख करोड़ का है। उसको मान लीजिए आप ये डबल भी कर देते हैं तो भी 8 लाख करोड़ के करीब हो जाएगा, जो भी वो भी भारत के लिए उसका इंटरेस्ट पे करना वो सब, और फिस्कल डेफिसिट कितना उससे बढ़ेगा वो सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये 20 लाख करोड़ एक साल में के बजट में मुमकिन हो पाएगा। मुझे लगता है मिनिमम 2 साल और हो सकता है ये 2.5 से 3 साल तक भी स्प्रेड किया जाए। तो ये अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से आज जब फाइनेंस मिनिस्टर करेंगी तो हमको इसके बारे में और डिटेल्स पता लगेंगे, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, ये मुझे लगता नहीं है कि ये एक साल के अंदर अंदर 20 लाख करोड़। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अंशुमन जी से मेरा एक सवाल। अंशुमन जी, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि डिमांड एंड सप्लाई चेन को ठीक किया जाए। डिमांड को कैसे सुधारा जाएगा, क्योंकि इस वक्त सब पर एक तरीके से फुल स्टॉप लगा हुआ है। ऐसे में बड़ी चुनौती इस वक्त वित्त मंत्री के सामने ये है कि कहां पर कितना एलोकेशन किया जाए ताकि मांग में सुधार हो सके, मार्केट में किसी तरह से मांग बढ़ सके। यही इस पैकेज से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल होने वाला है, जो शाम तक हमारे सामने स्पष्ट होगा
इस पैकेज से सीधा पैसा उन क्षेत्रों को, उन लोगों को या उनके हाथ में कितना जाएगा जो मांग को सीधे प्रभावित करते हैं, यानी कि आपकी हमारी खपत, यानी कि लोगों के दैनिक खर्च, यानी कि लोगों को मिलने वाले वेतन, उनके रोजगार, उसमें कितना पैसा जाएगा। जैसा मैं पहले से कह रहा हूं, ये पैकेज पर्याप्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप नुकसान देखें, जितने नुकसान का आकलन हमारे पास आ रहा है 40 और 50 दिन के, और हम लॉकडाउन 4 की तरफ जा रहे हैं, वो नुकसान अगर आप मान लें तो करीब करीब 40 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान है। आदर्श रूप से भारत को जीडीपी के करीब 5% के आसपास का पैकेज चाहिए इस समय, अगर आप दुनिया के देशों की तुलना में से तुलना करें। और अगर आप जीडीपी के हिसाब से समझने की भी कोशिश करें तो हर साल का बजट जीडीपी का 4% 3% तो वैसे ही जीडीपी के हिसाब से तो हम पांचवें पायदान पर हैं। अगर हम जीडीपी का एलोकेशन देखें तो हम पांचवें नंबर के आधार पर दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखें, और अगर आप बजट की तुलना में देखें तो 30 लाख करोड़ का बजट होता है, 5 से 7 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आरबीआई हर साल छोड़ता है, इतना पैसा तो हर साल अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से होता है, पर असामान्य परिस्थिति है। तो अगर आपको जीरो की ग्रोथ रेट से निकलकर 5% पर आना है तो जितना पैसा आप खर्च कर रहे थे उसका दोगुना पैसा खर्च करना पड़ेगा सिस्टम में, तब वो डिमांड वापस आ सकेगी, जो डिमांड आपको खड़ा रख सकेगी। आपके पास इस बीच ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, आप बता रही थी कि आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो तमाम तरीके से डिटेल्स बताएंगे कि कैसे इस राहत पैकेज खर्च किया जाना है, लेकिन इस वक्त क्या ताजा रिपोर्ट्स है, कितनी देर तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? देखिए, अभी जो हमें पता चल रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 1 घंटे की होगी, क्योंकि इस पे जो फाइन प्रिंट है वो बताया जाएगा। इस समय ये बताया जाएगा कि एमएसएमई सेक्टर को कितना मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। देखिए, सूत्रों के हवाले से मालूम चला है कि अभी तक 1 लाख करोड़ का जो फिगर है वो सामने आया है, उतना पैसा एमएसएमई सेक्टर को दिया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण काम करेगी, वो है एक बैंक क्रेडिट स्कीम, यानी कि अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, अगर आपका स्मॉल या बिजनेस है, अगर आप जाना चाहते हैं बैंक के पास, बिकॉज आप ये समझिए कि बैंक इस समय पैसा नहीं दे रहा है, क्रेडिट लोन नहीं दिया जा रहा है। जब सरकार बोलेगी कि आप दीजिए पैसा, हम खड़े हैं पीछे, तो उन लोगों को कैश दिया जाएगा, कैश की इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लौटूंगी मैं आपके पास ऐश्वर्या। अंशुमन जी, यहाँ आप अपनी बात भी पूरी कर लिए, और एक सवाल मेरा और जुड़ा हुआ है, वो ये कि अक्सर इस तरह की जब परिस्थिति आती है, जब देश में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होता है, खर्च ज़्यादा हो जाता है, तो मिडिल क्लास पर इसका बर्डन डाल दिया जाता है। कोविड सेस तक लगाने की बात बीच में उठी थी, क्या ऐसा हो सकता है? पहली चीज तो ये कि जो मैं आपसे कह रहा था कि डिमांड जनरेट करने का मतलब ये है कि आप अर्थव्यवस्था की विकास दर 0% 1% आने की बात की जा रही है, ये सारे लोग स्वीकार करेंगे। हम इससे पहले 6.5-6.5% की विकास दर पर थे, तो कितना बड़ा पैसा मार्केट में ये सिस्टम में पंप करना पड़ेगा ताकि हम विकास दर को वापस ला सकें और डिमांड को वापस ला सकें, ये एक बड़ी चीज है। और इस आधार पर जब आप देखें तो आपको ये पैकेज छोटा दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज की पैकेज कितना फिस्कल स्टिमुलस है और कितना मॉनेटरी स्टिमुलस है, ये समझना जरूरी है। जैसी बात अभी ऐश्वर्या बता रही थी कि सरकार एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लाने जा रही है या वर्किंग कैपिटल की लिमिट बढ़ाने जा रही है, ये सारे मॉनेटरी स्टिमुलस का पार्ट है, यानी बैंकों से कहा जाएगा कि वो उद्योगों को पैसा दें। कितने बैंक उद्योगों को पैसा देंगे? बैंकों को अभी आरबीआई ने जो फंड्स दिए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे हैं, वो लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल है। क्या उद्योग बैंकों के पास पैसा लेने जाएंगे भविष्य के को देखते हुए, अपने उद्योगों की परिस्थिति और डिमांड को देखते हुए? ये सारे सवाल इस पैकेज के बाद उठेंगे। अब इसके बाद दूसरा सवाल उठता है इसकी फिनांसिंग का। तो जो मैं कह रहा हूं कि अगर यह पैकेज 20 लाख करोड़ का है और इस साल के 30 लाख करोड़ के बजट का हिस्सा है, तो फिनांसिंग के लिए जो भी समस्या सरकार के सामने है, उसके लिए फिस्कल डेफिसिट को आगे बढ़ा लिया गया है। सरकार का बोरोइंग टारगेट 54% बढ़ा दिया गया है, सरकार इस साल एडिशनल बोरोइंग करने जा रही है, खर्चों में कमी की गई है, डीए काटे गए हैं, साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। जो आपने सवाल उठाए हैं उसी का जवाब वेद जी से ले लेते हैं। वेद जी, आप कह रहे थे कि ये पैकेज काफी है, लेकिन अंशुमन जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ मॉनिटरी स्टिमुलस देने के लिए काफी है, फिजिकल स्टिमुलस देने के लिए नहीं। नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा नेहा जी, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। दुबे जी के पॉइंट को भी मैं क्लेरिफाई कर दूं कि देखिए जो 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात हो रही है, वो कह रहे 3 साल में स्प्रेड होगा, जब तक ये डिटेल नहीं आएगी कि इसके अंदर फिस्कल पैसेज कितना है, मॉनेटरी कितना है। अगर जैसे अभी अंशुमन जी कह रहे थे कि अगर एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ बैंक देंगे और गारंटी बैंक गवर्नमेंट देती है, तो उसका बजट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बैंक पैसा देंगे और एमएसएमई सेक्टर को पैसा जाएगा। अब रहा, आपने कहा कि 20 लाख करोड़ कम है और 40 लाख करोड़ होना चाहिए, तो देखिए सीमा कोई नहीं होती,
अभी तक जो इंडस्ट्री और जितना भी हमारी डिमांड थी वो प्री फिगर 14-15 लाख करोड़ के करीब आ रही थी। जो 14-15 लाख करोड़ की बात आ रही थी वो फारा फिस्कल स्टिमुलस की बात आ रही थी, जिसमें इंडस्ट्री की डिमांड ये थी कि ये पैसा इंडस्ट्री को मिलना चाहिए और इसके अंदर जो आरबीआई की जो पॉलिसी के अंदर जो पैसा जा रहा है और जो क्रेडिट के अंदर रिलीज हो रहा है उस पैसे का जिक्र नहीं था। क्योंकि सवाल क्या है जो आपने पूछा, एमएसएमई सेक्टर के पास आज की डेट में कोई पैसा नहीं है किसी भी तरह का वेजेस देने का या नहीं करने का। मेरा इकोनॉमी के मामले में कहना है कि अगर ये सरकार पैसा डायरेक्टली आज की डेट में इंडस्ट्री के हाथ में दे दे और इंडस्ट्री इस पैसे को आगे वर्कर को देगी और कंजम्पशन बढ़ेगी वर्कर के हाथ में, तो डिमांड जनरेट हो जाएगी। ये इकोनॉमी को का जब इकोनॉमी एक डिफिकल्ट फेज में गुजर रही है ये कॉमन तरीका माना जाता है कि सरकार अपना खर्चा बढ़ाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंशुमन जी और साथ ही राजीव जी भी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बता रही थी कि लगभग एक घंटे तक आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, जिसमें फाइन प्रिंट दिया जाएगा कि आखिरकार कैसे सरकार योजना लाती है इन पैसों को खर्च करने की, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।